हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज आपके लिए लाया हूं एक और अलंकार का एपिसोड। इस बार हम कुछ और नए अलंकार करेंगे, जो पहले कर चुके हैं उससे थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन फिंगर की प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए ये बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ माइंड भी इससे जुड़ा रहेगा, तो माइंड की एक्सरसाइज के लिए और सुर की समझ के लिए भी ये अलंकार बहुत अच्छे हैं, अवश्य करने जैसे हैं, आप जरूर से कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक अलंकार है, नीचे के प से लेके ऊपर के प तक, फिर नीचे द से लेके ऊपर द तक, फिर नीचे नी से लेके ऊपर नी तक, फिर इस तरह से एक एक सप्तक का ये अलंकार आगे बढ़ते जाना है। देखिए, जितना भी मैक्सिमम स्पीड पे ले जा सकते हैं लेकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर वोकल वाले भी करेंगे तो वोकल में तो इसका बहुत ही फायदा है, क्योंकि ये वोकल में ये अलंकार करना बहुत डिफिकल्ट भी है। तो वोकल वाले अगर इस अलंकार को करना चाहें तो अवश्य करें, उसके लिए बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट अलंकार की बात करते हैं। अब प से प एक आवर्तन तक आगे जाना है, फिर द से लेते हुए नीचे द तक रिटर्न आना है, एक ही अलंकार में। देखिए, मैं बता देता हूँ। प ध नि सा रे ग म प ध प म ग रे सा नि ध ध नि सा रे ग म प ध नि र प म ग रे सा नि, इस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। बहुत इजी अलंकार है, लेकिन फिंगरिंग की प्रैक्टिस के लिए और माइंड की अलर्टनेस के लिए ये बहुत अच्छा अलंकार है, जरूर करने जैसा है। देखिएगा, पहले कम स्पीड में करते हैं, 140।
तरह से ये अलंकार बहुत अच्छा है, इसकी भी आप अगर चाहें तो थोड़ी और स्पीड बढ़ाएं, थोड़ी और बढ़ाएं, बहुत आगे हैं, जितनी भी मैक्सिमम स्पीड कर सकते हैं आप करें तो अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट अलंकार देखते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो यही है, प द नी सा रे ग म प ध प म ग रे सा नी ध। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम द से ही शुरू करते थे वो अब द की जगह नी से शुरू करना है, देखिए कैसे, प द नी सा रे ग म प ध प म ग रे सा नी ध, नी सा रे ग म प द नी सा नी ध प म ग रे सा, रे ग म प द नी सा रे ग रे सा नी ध प म ग। इस तरह से एक एक आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप लेना है, देखिए आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, लिखा हुआ भी यहाँ पे स्क्रीन पे है तो आप समझ जाएंगे। देखते हैं ताल के साथ 140 BPM, ये स्वर लिया है हमने काली पांच यानी ए शार्प बी फ्लैट। इस तरह से होगा, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का अलंकार है लेकिन अब चार चार स्वर में लेना है, हम पूरा आठ स्वर का एक सप्तक लेते थे, अभी हाफ सप्तक आधे सप्तक का चार चार नोट वाला एक एक टुकड़ा लेंगे, जैसे प द नी सा रे सा नी द नी सा रे ग म ग रे सा रे ग म प ध प म ग म प ध नी सा नी द प ध नी सा रे ग रे सा नी सा रे ग म प म ग रे। इस तरह से देते हैं, फिरत तान का पलटा है, यानी फिरत तान में इसका यूज होता है,
पहले भी मैं एक एपिसोड में बता चुका हूँ कि अलग अलग अलंकार के पहले पहले टुकड़े को साथ में रखते हुए आप नया अलंकार बना सकते हैं। ये भी इस तरह का ही एक अलंकार है, लेकिन इसको फिरत तान का पलटा कहते हैं। यहीं आसपास में ही घूमते हुए फिर थोड़े 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 आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसका पहला टुकड़ा ऐसे है, आप समझ लीजिए, फिर बाद में इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। प द प नि द सा नि द प द नि सा ध नि द सा नि रे सा नि द नि सा रे। इस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जाना है और रिटर्न में भी इसी तरह से आगे आना है। ये अलंकार बना है कैसे, देख लीजिए। पहला पहला टुकड़ा प द द नि नि सा सा रे रे ग ग म, ये जो अलंकार है इसका पहला पहला टुकड़ा एक साइड में रख दीजिए। फिर दूसरा है प नि ध सा नि रे सा ग रे म ग प, इसका एक टुकड़ा बाजू में रखिए। फिर है ध सा नि द नि रे सा नि सा ग रे सा, इसका एक टुकड़ा साइड में रखिए। फिर चार वाला अलंकार प द नि सा द नि सा रे ग, इसका एक टुकड़ा साइड में रखिए। तो ये सब चार टुकड़ा पास पास में रखते हुए पहला अलंकार बनेगा। प द प नि द सा नि द प द नि सा, ठीक है। तो देखते हैं आगे ताल के साथ 140 BPM की स्पीड में, खाली 5 स्वर में।
बढ़िया सा अलंकार है, इसकी और भी आप थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फिंगरिंग और आपका माइंड पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट अलंकार देख लेते हैं, इस एपिसोड का लास्ट वन, ये स्पीड के लिए है, फिंगरिंग की स्पीड के लिए। तो प द नी द, प द नी द, ये चार बार बजाना है। प द नी द, प द नी द, प द नी द, प द नी द, द नी द, 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 रे सा, नी द, रे सा। अब इसको एक्सट्रीम स्पीड में बजाना है। प द नी द, प द नी द, प द नी द, प द नी द, द नी द, 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 इतनी स्पीड में बढ़ाना है। आपकी फिंगरिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी स्पीड नहीं आती है, तो स्पीड लाने के लिए ये अलंकार है। देखिए ताल के साथ पहले 180 स्पीड में देख लेते हैं, फिर बाद में 220 स्पीड में देखते हैं। आप जितनी भी ज्यादा लय में बजा पाए उतना अच्छा है, आपकी फिंगरिंग की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है। तो ये थे कुछ अलंकार्स जो कि बेसिक ही है, लेकिन अलग अलग स्पीड में करने से आपकी बहुत ही बढ़िया सी प्रैक्टिस होगी। ये सब अलंकार आने के लिए नहीं है कि बस ये अलंकार मेरे को बजाना आ गया, आने के लिए नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। आने के बाद भी इसी अलंकार को आप 5,000 बार बजाओगे तो आपकी फिंगरिंग की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपका माइंड अलर्टनेस, माइंड पावर बढ़िया हो जाएगी और आपकी सुर की समझ बहुत पक्की हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फिल्मी गाने कहाँ से शुरू होता है, कौन से स्केल में है, कैसे इसकी डायरेक्ट नोटेशन निकालना है, मुझे नहीं आता है। कुछ लोग यूट्यूब में ढूंढते रहते हैं कि गाने की नोटेशन 5 मिनट में कैसे निकालें, वो निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई 5 मिनट में आपको सिखा ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी गाने का नोटेशन निकालने का यही तरीका है, इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट अलंकार 2-5 साल तक हजारों बार आप बजाते रहे, अपने आप सुर में समझ आने लगेगी, अपने आप नोटेशन आपसे बजने लगेंगे। तो यही एक तरीका है, ये शॉर्टकट है, इससे ज़्यादा और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये 5 साल तक हर एक अलंकार 5,000 बार बजाइए, अपने आप आपको गाने का नोटेशन निकालना आ जाएगा। तो ये 2 मिनट में कहने की बात है कि नोटेशन कैसे निकालें, लेकिन कुछ लोग बताते रहते हैं कि 5 मिनट में गाने का नोटेशन कैसे निकालें, या तो गाना कौन से स्केल से शुरू होता है कैसे जाने, ये सब जानने के लिए और कुछ नहीं करना है, बस यही अलंकार की बहुत सारी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। तो आप ये सब अलंकार की प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमें बताइए आपको कैसा लगा।
इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ये वीडियो की लिंक को अगर आप अपने फ्रेंड्स को जो म्यूज़िक जानते हैं सीखते हैं उनको अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, सबको ये सीखने को मिलेगा। आपने मुझे बहुत देखकर बहुत सारी कमेंट्स दी है, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं चंद्रकांत कोटेचा, आपका आभारी। थैंक यू।